नहीं जनाबे वाला नहीं, जरूरी नहीं कि शायर की हर बात पत्थर पर लकीर हो, ना काबिले तर्दीद हो, ये उसकी राय हो सकती है मगर हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे मुहतरम अगर कहता जिस कौम के लीडर ना हो खुददार हुनरमंद, जिस कौम की सियासत ना हो खुददार हुनरमंद, जिस कौम के जबान ना हो खुददार हुनरमंद, जिस कौम के अफराद ना हो खुददार हुनरमंद तो बात बन सकती थी, मगर अफसोस बच्चों का नाम लेकर इजहार खैर तुम मेरे लिए काफी मुश्किल बना दिया है। सदर-ए-ज़ी-वक़ार, एक इंसान का बच्चा जब दुनिया में तशरीफ लाता है तो वो अपने साथ बेशुमार सलाहियतें लेकर आता है। इंसान जानवर की तरह महज गोश्त और हड्डियों के खून का नाम नहीं, जो मुख्तलिफ निज़ामों के अफ़आल और खुसूसन खून की गर्दिश से हरकत करता रहे, और जो ये निज़ाम रुक जाए और खून की तरसील बंद हो जाए तो गोश्त पोस्ट और हड्डियों का ये खून फना होकर मिट्टी से मिल जाए। नहीं नहीं जनाबे वाला नहीं, हजरत आदम की औलाद महज जिसमें जान का नाम नहीं, इसमें शूर मौजूद है, इसमें सोचों की एक दुनिया है, इसमें जिबिलतें हैं, इसमें जहानतें हैं, इसमें महारतें हैं। सदर-ए-ज़ी-वक़ार, मुझे हैरत होती है कि बच्चे खुददार ना होंगे, उनमें हुनरमंदी ना होगी, बच्चे कैसे बेकार हो सकते हैं जब तक कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इस दुनिया की किसी चीज को बेफायदा नहीं बनाया, तो क्या यह मुमकिन हो सकता है कि जिस बच्चे के इस कायनात की एक एक चीज मुसख़र की गई हो वो बच्चा मुसादा खुद बेकार है। सदर-ए-ज़ी-वक़ार, सदर-ए-ज़ी-वक़ार, एक मुसलमान बच्चे की पैदाइश के साथ ही उसके कानों में अजान दी जाती है, मगर वो बच्चा जो अपने पैदाइश के साथ अजान की आवाज सुनने से पहले ये शोर सुने, अरे 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 तू मकरूस पैदा हुआ, अरे अरे तेरे ऊपर कर्जों का मलबा है, अरे अरे तुझे जेल जा कर चुकाना है, अरे तेरी हुकूमत लुटेरी है, अरे यहाँ डाकू रहते हैं, अरे तू जिस दुनिया में आया है यहाँ कुछ तो खून का बाजार गर्म है, यहाँ रिश्वत अकरबा परवरी और सिफारिश का बोल बाला है, यहाँ तेरी है यहाँ मेरे का गला दबाया जाता है, अरे 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 यहाँ सलाहियतों का खून होता है, यहाँ दयालुताई सच्चाई अदल इंसाफ का रोज जनाजा करता है, यहाँ रोज सदाकत के फरिश्ते उड़ते हैं, यहाँ लालच हिबिस हिस और कहना हर जगह सर उठाते हैं। तो जनाबे वाला क्या करेगा वो बच्चा खुददार होकर, सदर-ए-ज़ी-वक़ार उस बच्चे की हुनरमंदी किसका आएगी। नहीं जनाबे वाला नहीं, बच्चों का मौत इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, बच्चे आखिर बच्चे हैं, बच्चे फूल हैं उस गुलशन हयाती जहाँ हर तरफ कांटे बिखरे पड़े हैं। मैं इत्तेफाक करता हूँ अगर इस्ताय हो गए तो कौम तारीखों में डूब जाएगी और तारीख के सत्रों में उस कौम के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सदर-ए-ज़ी-वक़ार, अलामा ने फरमाया था ये फैजान नजर बख्शा गया है अहले मकतब को, ये फैजान नजर बख्शा गया है अहले मकतब को, सदा फ्रीजों से कर लेते हैं नारों को हर पैदा। सदर-ए-ज़ी-वक़ार, एक अहले मकतब का काम ये होता है कि वो सदा फ्रीजों को नारों गोहर बनाकर छोड़ता है, मगर जिस बस्ती में नारों गोहर को सदा फ्रीजे बना दिए जाए, जहाँ सलाहियत के साथ खेला जाए, जहाँ मृत का मजाक बनाया जाए, जहाँ गुलशन हसी से फूलों को चुन चुन कर रो दिया जाए, जहाँ रास्ते में असबियत नफरत और हकारत के कांटे बिछा दिए जाए, तो ऐसे बच्चे अपनी तमाम सलाहियतों के बावजूद फूल बनकर खेल नहीं सकते बल्कि उनसे भी कांटों की तवक्को की जा सकती है। सदर-ए-ज़ी-वक़ार, आप बेफिक्र रहिए, ये तबकाती निज़ाम तालीम आपको हुनरमंद बच्चा नहीं दे सकता, एक लाख का मकरूज पैदा होने वाला बच्चा खुददार नहीं हो सकता, इन अमरीका नवाज सीटों के साल में पलने वाले बच्चे खुददार नहीं हो सकते, भीख मांगने वाले कौन का बच्चा खुददार नहीं हो सकता, ये 2% मराद याफ्ता तबका आपके हुनरमंद बच्चों का घरा खोल देगा, जहाँ जरा खैर की आजादी न हो, जहाँ इंसानों की दर्जा बंदी की गई हो, जहाँ इंसान सैयद मिर्जा और अफगान में तकसीम दर तकसीम हो, जहाँ ब्राह्मणजादे खुद को खुदा तस्वर कर रहे हो, और जहाँ इंसानों को शोहरत समझ कर उनसे जीने का हक छीना जा रहा हो, वहाँ खुददार की खुददारी और हुनरमंद की हुनरमंदी खून के आंसू रहेगी। तो शायर मशरक़ की तरह कहना पड़ेगा, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। सदर-ए-ज़ी-वक़ार, इस मुल्क में यकसान निज़ाम तालीम राज करने की जरूरत है, बच्चों के लिए मखसूस गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्लिनिक खोलने की जरूरत है, जहाँ पर बच्चों को मर्जी पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर स्टाफ फराहम किया जाए, हमें ऑक्सफोर्ड स्कूल के स्टाफ की जरूरत नहीं बल्कि हमें उस असातिज़ा की जरूरत है जो वहाँ पढ़ाते हैं, 98% बच्चों को उन 2% मराद याफ्ता तबके के तसल्लुत से आजाद करने की जरूरत है, फिर देखना कि खुददारी क्या होती है और हुनरमंदी किसे कहते हैं। मैं शेर के साथ अपनी तकरीर को बहवाले महफिल करता हूँ, मुख्तसर बात करो बेजा वजाहत मत करो, मुख्तसर बात
ہے، بچوں میں سہارت ہے بہت، والسلام، بہت بہت شکریہ۔